तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं, बड़ी जानकारी से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दरअसल सीएम योगी धामी चिंतन शिविर में पहुंचे हैं। सूरजकुंड में चिंतन शिविर का दूसरा दिन आज है। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में मीटिंग हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चिंतन शिविर में पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ही मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे वर्चुअली संबोधित। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ये मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वर्चुअली संबोधित, काफी अहम ये शिविर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी और सीएम धामी चिंतन शिविर में पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ये मीटिंग लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मीटिंग को वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री की अगुवाई में ये मीटिंग चल रही है। पंजीकरण का डिजिटल होना, आईपीएस डेप्यूटेशन पर राज्यों की ओर से भेजे नहीं जा सकते हैं, भारत सरकार की सभी योजनाओं में खर्च अनुपात में गृह विभाग में राज्यों ने बहुत कम किया है, इस प्रकार की कई समस्याओं पर कल हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसके लिए एक प्रेजेंटेशन भी रखा गया था और सभी मुख्यमंत्री गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने की हमने प्रयास भी किया है। और इसके साथ साथ लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों ने कल बात रखी है। बचे हुए सारे गृह मंत्री आज भी बात रखेंगे, जिसमें राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का भी काम हुआ है, जिसे एक राज्य के अच्छे प्रयोग को देश भर के राज्य स्वीकार कर सके। राज्यों ने अपनी कुछ तकलीफें भी यहां मंच पर रखी है, जिसका समाधान भारत सरकार के सहयोग से वो चाहते हैं। केंद्र से उनकी जो अपेक्षा है उसको भी मंच पर रखने का काम हुआ है और कुछ अच्छे सुझाव भी आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर ये सारी समस्याओं के समाधान की ओर एक वाक्यता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज इस विशेष सत्र के उपरांत 4 सत्र और होंगे, जिसमें साइबर अपराध, नार्कोटिक्स, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना, दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना और सीमा सुरक्षा का प्रबंधन, ये 4 विषयों पर विशद चर्चा होने वाली है। और इसके साथ साथ ये पूरे चिंतन शिविर में 2 दिन में आपने आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब भारत सरकार के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसमें गृह मंत्रालय के लक्ष्यों को भी हमने राज्यों के साथ साझा किया है। और 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा तब देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में कहां तक किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम हमारा क्या होगा, इसकी भी आज सबको जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री महोदय, हम सब बहुत आतुर हैं आपका मार्गदर्शन इस विषय पर प्राप्त करने के लिए, और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हम सबको बहुत आनंदित और उत्साहित किया है। अतः पूरे सदन की ओर से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप देश के सभी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सारे सुरक्षा के साथ जुड़े हुए एजेंसी के प्रमुख और राज्यों के अधिकारियों का मार्गदर्शन करें और चिंतन शिविर का विशेष सत्र को आप संबोधित करें। धन्यवाद। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अमित शाह, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, गृह मंत्री जी, राज्यों के पुलिस महानिदेशक, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आजकल देश में उत्सव का माहौल है। ओणम, ईद, दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली सहित अनेक उत्सव शांति और सौहार्द के साथ देशवासियों ने मनाए हैं।
अभी छठ पूजा समेत कई अन्य त्योहार भी हैं। विभिन्न चुनौतियों के बीच इन त्योहारों में देश की एकता का सशक्त होना आपकी तैयारियों का भी प्रतिबिंब है। संविधान में भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दायित्व है, लेकिन ये देश की एकता अखंडता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं। सूरतकुंड में हो रहा गृहमंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें, ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। तरीके अपने अपने हो सकते हैं, रास्ते प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये पंच प्राण देश के हर राज्य में हमारी गवर्नेंस की प्रेरणा होनी चाहिए। जब ये सुशासन के मूल में होंगे तो भारत के सामर्थ्य का विराट विस्तार होगा। जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ्य बढ़ेगा। यही तो सुशासन है जिसका लाभ देश के हर राज्य को, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, यहां आप में से अधिकतर या तो राज्य को नेतृत्व दे रहे हैं या फिर सीधे सीधे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कानून व्यवस्था का सीधा संबंध राज्य के विकास से है, इसलिए राज्यों में विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में आप सभी के निर्णय और नीतियां और आपकी रीति ये बहुत अहम है। साथियों, कानून व्यवस्था के पूरे तंत्र का विश्वसनीय होना, जनता के बीच उनका परसेप्शन क्या है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा है कि जब भी कोई नेचुरल कैलोमिटी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो इन दिनों एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की एक पहचान बनी हुई है। उनका यूनिफॉर्म, उस संकट के समय पहले पहुंच जाना,
और इसके कारण देशवासियों के मन में इनके प्रति एक विश्वास बना है कि भाई ये आए हैं, चलिए संभल जाएगा, ये जो कह रहे हैं मानना चाहिए, इनकी बातें अगर स्वीकार करेंगे तो हमारा नुकसान कम होगा। और आप देखिए एनडीआरएफ में है कौन भाई, एसडीआरएफ में है कौन, आप ही के सब साथी हैं, सुरक्षा बल के जवान ही हैं, लेकिन समाज में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा बन गई है। आपदा के समय में जैसे ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, वैसे ही लोगों को संतोष होने लगता है कि अब एक्सपर्ट टीम पहुंच गई है, अब से अपना काम कर लेंगे। साथियों, अपराध वाली किसी भी जगह पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है, लोगों में ये भाव आता है कि सरकार पहुंच गई। कोरोना काल में भी हमने देखा है कि किस तरह पुलिस की साख बेहतर हुई थी, पुलिस के लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे, जरूरी संसाधन जुटा रहे थे, अपने जिंदगी को दांव पे लगा रहे थे, यानी कर्तव्य परायणता में कोई कमी नहीं है। जरूरत अच्छा परसेप्शन बनाए रखने की भी है, इसके लिए पुलिस बल को प्रेरित करना, उसके लिए प्लान करना, हर छोटी मोटी चीजों पर लगातार मार्गदर्शन करते रहना, कुछ गलत होता है तो रोकना, ये हमारी एक जीवंत प्रक्रिया होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक हर पल होनी चाहिए। साथियों, हमें एक बात और समझनी होगी, अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए आपको मालूम होगा, मैंने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दो एडजॉइनिंग स्टेट होते हैं, उसके जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उन्होंने पीरियोडिकली बैठ करके दोनों राज्यों के उन दोनों जिलों की समस्याओं का संकलन करना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए, उसी में से ताकत बनेगी। कई बार केंद्रीय एजेंसियों को कई राज्यों में एक साथ जांच करनी पड़ती है, दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है, इसलिए हर राज्य का दायित्व है कि चाहे राज्य की एजेंसी हो, चाहे केंद्र की एजेंसी हो, या संबंधित कहीं किसी और राज्य से संपर्क आता है, सभी एजेंसियों को एक दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसका अधिकार है, उसी में कभी कभी तो हम देखते हैं एक आध एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, तो बोले ये तय नहीं हो रहा है कि वो जो जगह है वो इस थाने में पड़ती है कि उस थाने में पड़ती है। ये जो चीजें हैं वो सिर्फ पुलिस थाने तक नहीं है, राज्यों के बीच भी हो जाती हैं, केंद्र और राज्य के बीच में हो जाती हैं, भारत और विदेश की व्यवस्थाओं के साथ हो जाती है। इसलिए हमारी एफिशिएंसी के लिए, हमारे आउटकम के लिए, सामान्य नागरिक को सुरक्षा देने के लिए हमारे बीच में तालमेल, संकलन, सहयोग बहुत अनिवार्य है। और इसके लिए
जितना संकलन बढ़ेगा आपके राज्य की भी ताकत बढ़ने वाली है। साथियों, साइबर क्राइम हो या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी का हथियारों और ड्रग्स तस्करी में उपयोग, इनके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर काम करते रहना होगा। अब देखिए, हम 5G के युग में घुस गए हैं, तेजी से 5G पहुंचने वाला है। अब 5G के जितने लाभ है इतनी ही जागरूकता भी जरूरी रहेगी। 5G से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ड्रोन और CCTV जैसी टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस में ये कई गुना सुधार होने वाला है। लेकिन हम जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, जो क्राइम करने वाला वर्ल्ड है उसका भी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वो इंटरेस्टेड हो चुका है, वो भी टेक्नोलॉजी में फॉरवर्ड हो चुके हैं। मतलब हमें उनसे 10 कदम आगे जाना होगा। हमें हमारी कानून व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाना, इसके लिए बहुत ही आग्रह से काम करना पड़ेगा। साथियों, मेरा आग्रह ये भी है कि टेक्नोलॉजी को कृपा करके बजट के तराजू से न तोले। और मेरा सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों से, सभी आदरणीय गृह मंत्री जीओं से इस विषय में एक टीम बना करके, दुनिया में क्रिमिनल वर्ल्ड किस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, उपलब्ध टेक्नोलॉजी हमारे लोगों को कैसे सुरक्षा दे सकती है, कि इस व्यवस्था का उपयोग सभी राज्य सक्रियता से कैसे करें। साथियों, कानून व्यवस्था को बना रखना एक 24/7 वाला काम है। लेकिन किसी भी काम में यह भी आवश्यक है कि हम निरंतर प्रक्रियाओं में सुधार करते चले, उन्हें आधुनिक बनाते चले। बीते वर्षों में भारत सरकार के स्तर पर कानून व्यवस्था से जुड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, उन्होंने पूरे देश में शांति का वातावरण बनाने में मदद की है। आप भी जानते हैं कि भारत की विविधता, भारत की विशालता की वजह से हमारे लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम पर कितना दबाव होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा ये सिस्टम सही दिशा में ऊर्जा लगाएं, वरना हमने देखा है कि कितने ही अनावश्यक केसों में छोटी छोटी गलतियों की जांच में ही पुलिस डिपार्टमेंट की ऊर्जा चली जाती है। इसलिए हमने व्यापार कारोबार से जुड़े अनेकों प्रावधानों को अब डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। 1,500 से ज्यादा पुराने कानूनों को समाप्त करके भविष्य का बहुत बड़ा बोझ कम किया गया है। मैं तो राज्यों से भी आग्रह करता हूं, आप भी अपने यहां कानूनों को इवेल्युएट कीजिए। आजादी के पहले के जितने कानून हैं इनको वर्तमान तारीखों के साथ जो बदलाव लाइए। हर कानून में क्रिमिनल एंगल और निर्दोष नागरिकों को परेशानी, वो वक्त से चला गया है जी। साथियों, सरकार को अब जैसे स्वामित्व योजना, ये स्वामित्व योजना के तहत देश के गांवों में ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रॉपर्टी कार्ड वितरित कर रहे हैं, वो भी जमीन से जुड़े विवादों को कम करेंगे, झगड़े खत्म होंगे गांव के। वरना गांव की समस्या ज्यादातर एक फुट जमीन इसने ले ली, उसी में से बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। साथियों, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से किए गए ऐसे अनेक प्रयासों से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को भी अपनी प्राथमिकता तय करने में बहुत मदद मिली है। लेकिन हमने जब पूरे कैनवास पर चीजों को रख करके अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव नहीं करेंगे, 20, 30, 50 साल पुरानी पद्धतियों से चलेंगे, तो शायद इन चीजों का फायदा नहीं मिलेगा। बीते वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों ने भी कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। आतंकवाद हो,
हवाला नेटवर्क हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर आज देश में अभूतपूर्व सख्ती दिखाई जा रही है। लोगों में विश्वास पनपने लगा है। यूएपीए जैसे कानूनों ने आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई में व्यवस्थाओं को ताकत दी है। यानी एक तरफ हम देश के लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम का उसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर अनावश्यक बोझ को भी हटा सके। साथियों, एक और विषय हमारे देश की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है, वैसे ही पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। क्या हमारे राज्य मिल बैठ करके इससे बहुत लाभ होंगे। एक तो क्वालिटी मटेरियल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मास स्केल पर होगा। कैप होगी तो करोड़ों में कैप पेज की जरूरत पड़ेगी, बेल्ट चाहिए तो करोड़ों में चाहिएगा। और देश का कोई भी नागरिक कहीं पर भी जाएगा, देखते हैं उसको पता चले हाँ ये पुलिस वाला है। अब जैसे पोस्ट ऑफिस का डिब्बा, हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी को मालूम है ये पोस्ट का डिब्बा है, यहां कागज डाला वह पहुंचता है। एक पहचान होती है। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में हम सोचें, साथ मिलकर के सोचें, कोई किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है, एक इवॉल्व करें। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा और एक दूसरे के ताकत में इजाफा होगा। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने, इस पर सोच है। मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं, न मैं कहीं आपसे आग्रह भी करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और विचार पे चर्चा कीजिए। कभी ठीक लगे, 5 साल 50 साल 100 साल के बाद भी उपयोगी लगेगा तो जरूर देखिए। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की पुलिस के नए नए विभाग शुरू हुए हैं, एक्सपर्टाइज आई है। अब हम देखिए दुनिया में टूरिज्म का बहुत बड़ा मार्केट है, भारत में टूरिज्म की संभावना है, बहुत बढ़ रही है। विश्व से बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्टों का भारत में आने का प्रवाह बढ़ना ही बढ़ना है। आज दुनिया में कई देश जो टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, वहां टूरिज्म के लिए काम करने वाली पुलिस बनाई जाती है, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, उनको लैंग्वेजेज भी सिखाई जाती है, उनके बिहेवियर पूरी तरह चेंज होता है। और यात्रियों को भी, विदेश के टूरिस्टों को भी पता होता कि भाई ये मदद करने के लिए पुलिस की व्यवस्था है, और वो पुलिस होने के कारण वो पुलिस एनफोर्समेंट जो इंस्टीट्यूट हैं उससे भी बड़े आसानी से संकलन कर पाता है। कभी न कभी हमें हमारे देश में इस विधा की एक्सपर्टाइज को डेवलप करना ही पड़ेगा, ताकि भारत में ये जो और टूरिज्म, विश्व भर से आने वाला आदमी, एक पूंजी निवेश के लिए आने वाला और टूरिस्ट में आने वाले में बहुत फर्क है। टूरिस्ट तुरंत आपका एम्बेसडर बन जाता है, अच्छी चीज भी वही दुनिया में ले जाएगा, बुरी चीज भी वही दुनिया में ले जाएगा। पूंजी निवेश जो करता है उसको इस काम में कई समय लग जाता है अगर गलत हो गया तो, लेकिन टूरिस्ट तो 2 दिन में ही खबर पहुंचा देता है, यार भाई यहां तो ये हाल है। और इसलिए आज भारत में भी मिडिल क्लास का बल कितना बढ़ रहा है, टूरिज्म को लेकर के बहुत बदलाव आ रहा है। अब टूरिज्म और ट्रैफिक नई समस्या आ रही है। अब हम एडवांस में नहीं सोचेंगे, अल्टरनेट नहीं सोचेंगे, तो वही टूरिज्म के हमारे सेंटर तो कोई बदलने वाले नहीं है। हम कहें कि नहीं अब शिमला नहीं वहां जाइए, तो ये तो होने, शिमला जिसको जाना है शिमला ही जाएगा, नैनीताल जाना है वो नैनीताल ही जाएगा, श्रीनगर जाना है वो श्रीनगर जाएगा, गुलमर्ग जाना है वो गुलमर्ग जाएगा। हमें व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। साथियों, हमने देखा है कोरोना के समय में जब पुलिस के लोग अपने क्षेत्र के लोगों को फोन करके पूछते थे
और खास करके मैंने देखा है कुछ शहरों में सीनियर सिटीजन के लिए पुलिस में जो बड़ी आयु के लोग हैं जिनसे अब ज्यादा मजदूरी करवाना उनके साथ भी अत्याचार है, उन्होंने स्वेच्छा से ऐसे काम लिए हैं और वे सीनियर सिटीजन्स को लगातार पूछते हैं ठीक होना, कहीं बाहर तो जाने वाले नहीं होना, घर बंद करके जाने वाले नहीं होना। इसके कारण नागरिकों का जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो एक प्रकार से आपकी ताकत बन जाता है। इस चीज को हम जितना ज्यादा उपयोग कर सकते हैं प्रोफेशनल वे में कर सकते हैं और पूरी तरह जीवंतता हो, संवेदनशीलता हो। आप देखिए समाज जीवन में एक फोन आपका सप्ताह में अगर किसी सीनियर सिटीजन को जाता है वो महीने भर दुनिया को कहता रहता है कि भाई पुलिस थाने से हर बिल्कुल फोन आ जाता है, हर बुधवार को पूछ लेते हैं, मेरी कोई दिक्कत है नहीं। इन चीजों की बहुत बड़ी ताकत होती है। जो परसेप्शन की लड़ाई है ना, ये आपके सारे परसेप्शन बनाने वाले लोग हैं। हमें एक और काम की तरफ बहुत सजग होने की जरूरत है जी। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, इसका अपने एक ताकत है, उसका उपयोग है, लेकिन हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को नकार नहीं कर सकते हैं। उस विधा को पुलिस डिपार्टमेंट ने आज से 100 साल, कितनी टेक्नोलॉजी बदल जाए 100 साल के बाद उसकी जरूरत पड़ने वाली है, उस इंस्टीट्यूट को जितनी ताकतवर बना सकते हैं बनाइए। उसमें जो सामर्थ्य है, उसकी जो नजरें हैं, वो उसकी जो बातचीत में से जो पकड़ के ले आता है, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत होती है। और अगर दोनों क्षेत्रों में ताकत है फिर तो आप चीजों को बहुत आसानी से कल्पना कर सकते हो, ये संभावना है, 10 दिन के बाद ये संभावना दिखती है, ये चल रहा है, चलो हम देखते हैं, यहां कुछ लोग आते हैं जाते हैं, कुछ हो रहा है, तुरंत पता चलेगा। और मैं समझता हूं इसके कारण हमारी व्यवस्थाएं बहुत चुस्त हो जाएगी, जो 50 बार क्राइम करने वालों को सोचने के लिए मजबूर करेगी। साथियों, में एक और बात भी समझनी है। आज वैश्विक स्तर पर भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से भारत की चुनौतियां भी बढ़ने वाली है। पहले वो उपेक्षा की वृत्ति होती है, फिर उसका जरा मजाक उड़ाने की वृत्ति बनती है, फिर भी आप आगे बढ़ते हैं तो फिर थोड़ी कंपटीशन का भाव आ जाता है, प्रतिस्पर्धा आ जाती है, फिर भी आगे बढ़ते हैं तो दुश्मनी का रंग ले लेती है। विश्व की बहुत सारी ताकतें होगी जो नहीं चाहेगी कि उनके देश के संदर्भ में भारत कुछ सामर्थ्यवान बने, फलाने विषय में उनकी एक्सपर्टाइज है उसमें भारत न घुसे, फलानी प्रोडक्ट उनकी बपोती है अगर उसमें भारत प्रोडक्शन में चला गया तो मार्केट भारत कब्जा कर लेगा, भारत बहुत बड़ा बाजार है, भारत खुद बनाने लग जाएगा तो फिर तो हमारा माल कहां जाएगा। कई प्रकार की चुनौतियां आने वाली हैं जी, और वो चुनौतियां दुश्मनी का रूप लेते देर नहीं जाती है। और इसलिए हमें हमारे इन सारी चैलेंजेस को हमें समझना है, और ये सहज है, किसी को हमसे कोई हमारा बुरा करना है नहीं, मनुष्य का स्वभाव है। आपके यहां भी दो अफसर होंगे तो लगता है कि हाँ यार ये आगे चलकर इसकी क्यों प्रमोशन हो जाएगा, मैं तो रह जाऊंगा, तो फिर उनका 10 साल पहले ही तू 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 शुरू हो जाता है। वैसा हर जगह पे होता है भाई, और इसलिए मैं कहता हूं कि हम थोड़ा दूर का सोच करके हमारे सामर्थ्य को, प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट, प्रॉपर मैसेजिंग, इसके लिए आवश्यक बारीकियों जो पहले की लॉ एंड ऑर्डर और आज की चुनौतियों में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। पहले का तो बरकरार रखना ही पड़ेगा, नए को लिए भी हमने अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमें देश के विरोध में जो ताकतें खड़ी हो रही हैं, जिस प्रकार से हर चीज का उपयोग किया जा रहा है, सामान्य नागरिक की सुरक्षा के लिए, लॉ अबाइडिंग सिटीज के अधिकारों के लिए ऐसी किसी भी नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर बर्ताव ही हमारी जिम्मेवारी है, कोई उदारता नहीं चल सकती है जी।
क्योंकि आखिरकार जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो कानून को मानने वाला व्यक्ति है, वो कहां जाएगा भाई? हमारा काम है, और ऐसे 99% सिटीजन वही होते हैं जी, 1% का ही प्रॉब्लम होता है। हमें उन 99 को विश्वास दिलाने के लिए उन 1% के प्रति जरा भी उदारता बरतने की जरूरत नहीं है। साथियों, सोशल मीडिया की शक्ति को हमें काम करके क्या हो रहा है इतने मात्र से उसको आंकना नहीं चाहिए। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई, कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है, आपको 1-2-10 जगह पे चक्कर लगाओगे तो कुछ ना कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। हमें ऐसी फेक वर्ल्ड से ड्रिवन सोसाइटी, उसी से डरी हुई सोसाइटी, उसी से ड्राई होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति हमें खड़ी करनी होगी, टेक्नोलॉजिकल शक्ति खड़ी करनी होगी। साथियों, सिविल डिफेंस की आवश्यकता है, और जैसे अभी अमित भाई बता रहे थे भाई, कुछ चीजें हैं जिस पर हमारा ध्यान अभी हट रहा है। अमित भाई ने सही चीजों को पकड़ा है, आप लोग भी चिंतित। ये जो अनेक दशकों से चली हुई चीजें हैं, इसका बहुत उपयोग है। स्कूल कॉलेज में भी इसको हमने सिविल डिफेंस से विषय हो, प्राइमरी हेल्थ वाले विषय हो, ये जो चीजें होती हैं जो पहले भी करते थे हम लोग, फायर फाइटिंग की व्यवस्था पहले भी करते थे, इसको हमने सहज स्वभाव बनाना चाहिए। और मैंने तो कहा है, हर नगर पालिका महानगर पालिका में सप्ताह में एक दिन किसी स्कूल में जाकर के फायर फाइटिंग के क्षेत्र के लोग और पुलिस ने जाकर के ड्रिल करनी चाहिए, तो स्कूल के बच्चे देखेंगे तो उनका भी एजुकेशन हो जाएगा, जो सिस्टम है वो भी उनकी ड्रीम और प्रैक्टिस होती जाएगी। अगले हफ्ते दूसरी स्कूल, फिर एक स्कूल का 10 साल में एक बार बारी आएगी बड़े शहर में तो। लेकिन हर पीढ़ी को पता चलेगा भाई, सिविल डिफेंस के संबंध में, फायर फाइटिंग के संबंध में ये सारी ड्रिल नागरिकों को करनी होती है। आपको भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी जी, ये सहज रूप से करने वाला काम है। साथियों, बीते वर्षों में आतंक के ग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करने की मैं सभी सरकारों ने बहुत जिम्मेवारी के साथ उसकी गंभीरता को समझ करके कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। कहीं पर शायद सफलता पहले मिली हो, कहीं देर से मिली हो, लेकिन हर एक को इसकी गंभीरता में आज समझाना पड़े ऐसा नहीं है। अब हमें ताकत को जोड़ करके इसको हैंडल करना है जी। इसी प्रकार नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है, हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है, और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो, हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है जी। लेकिन बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, समझदारी से करना पड़ेगा। हमारे फोर्सेज में भी ऐसी एक्सपर्टाइज तैयार करनी पड़ेगी,
किसी राज्य में कोई घटना घटी है तो हमारे टॉप एक्सपर्ट को वहां स्टडी के लिए भेजना चाहिए, जरा जाओ 3 दिन वहां रह के आओ, वहां पर हुआ है तो उन्होंने कैसे हैंडल किया था, मामला कैसे पनपा था, उससे हम सीखते हैं। सीखने के लिए हमने लगातार कोशिश करनी चाहिए और जो इस प्रकार की दुनिया वाले लोग हैं वो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से भी बहुत मदद मिल जाती है और वो इसमें चतुर होते हैं और उनका चेहरा मोहरा इतना बड़ा सात्विक दिखता है, इतना बड़ा संविधान और कानून की भाषा में ही बोलते हैं, प्रवृत्ति कुछ और करते हैं। इन सारी चीजों को, दूध का दूध और पानी का पानी, ये समझने की ताकत हमारे सिक्योरिटी सामर्थ्य में होनी चाहिए जी। हमें स्थायी शांति के लिए तेजी से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। साथियों, जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो, आज हम विश्वास गेन कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव ताकतों को भी मुख्य धारा में आने का मन करने लगा है और जब हम विकास उनको नजर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, उनकी अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं, तो वे भी अब शस्त्रों को छोड़ करके साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी प्रकार से बॉर्डर और कोस्टल एरिया में हमें विकास की ओर देखना होगा। बजट में भी वाइब्रेंट विलेज की बात कही गई है, आपने इस पर सोचना चाहिए। आपके टॉप अफसर उनको बॉर्डर विलेज में नाइट स्टे करके आना चाहिए, आग्रह कीजिए। मैं तो मंत्रियों से भी कहूंगा कि कम से कम 1 साल में 5 या 7 बॉर्डर विलेज में जाकर के 2-3 घंटे बिता के आइए, चाहे वो किसी स्टेट का बॉर्डर विलेज हो या इंटरनेशनल बॉर्डर विलेज हो, आपको बहुत कुछ बारीकियों का पता चलेगा। साथियों, हथियार, ड्रग, ये सारी जो तस्करी चल रही है, ड्रोन, उसमें एक नया संकट घुसा हुआ है। हमें हमारे बॉर्डर और कोस्टल उनकी ये संकलन बहुत जरूरी है। हम कहेंगे भाई नेवी ये करेगी, कोस्ट गार्ड ये करेगा, इतने से बात बनेगी नहीं, हमें संकलन बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि अगर हम मिलकर एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम हर चुनौती हमारे सामने बोनी सिद्ध हो जाएगी और चीजों को हैंडल करने की हमारी ताकत भी बढ़ जाएगी। मुझे विश्वास है कि शिविर में जो चर्चा होगी उसमें से कोई न कोई एक्शनेबल पॉइंट निकलेंगे, एक कलेक्टिव रोडमैप बनेगा। हर राज्य साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ये 13 क्षेत्र हैं, ये मेरा क्षेत्र है, 13 अधिकार है, मेरा अधिकार है, अगर हम उसमें उलझे रहेंगे तो उसका सबसे ज्यादा फायदा समाज विरोधी ताकतें, कानून को जो मानते नहीं हैं, वो इस व्यवस्था अव्यवस्था का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमारे बीच समझदारी, संकलन, विश्वास और बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए जी। और ये जिम्मेवारी हमारे कैडर्स की है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर मुझे विश्वास है हम साथ मिलकर के करेंगे तो हम जो चाहते हैं वैसा परिणाम प्राप्त कर सकेंगे और देश के लिए जो अवसर आया है उस अवसर को पहली नजर में ताकत यूनिफॉर्म फोर्सेस से आती है। विश्वास का एक कारण यूनिफॉर्म फोर्सेस बन जाता है। हम उसको जितना ज्यादा ताकतवर बनाएंगे, जितना ज्यादा बॉर्ड विजन के साथ काम करने वाला बनाएंगे, जितना ज्यादा नागरिकों के प्रति संवेदनशील बनाएंगे, बहुत लाभ होगा। कुछ चीजें मैंने डीजीपी कॉन्फ्रेंसेस में कही है, मैं सभी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित हुई है। खुलकर के चर्चा होती है और उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट 0 होता है। उसमें से जो बातें निकलती है, मैं सभी गृह विभाग के मेरे सचिव जो रहते हैं वो आईएएस कैडर के होते हैं और हमारे जो पॉलिटिकल फील्ड के लोग जो चुनकर के आकर के सरकार चलाते हैं, डीजीपी कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई उनसे पूरा ब्रीफिंग लेना चाहिए। उसमें एक्शनेबल पॉइंट को हमें अपने राज्य में तुरंत लागू करना चाहिए, तब जाकर के फायदा होगा। हमें डीजीपी कॉन्फ्रेंस से तो एक मीटिंग हो गई थी, हमारे साहब होकर के आ गए हैं,
ये नहीं है जी, ये एक देश की सिक्योरिटी को लेकर के काम करने। अब जैसे एक सुझाव आया था कि भाई हमारे पुलिस के लिए रहने के घर, अब मैंने एक सुझाव दिया था कि खास करके बड़े शहरों में जो पुलिस थाने हैं या पुलिस स्टेशन है, आप जरा सोचिए कि उसमें से कुछ मल्टी स्टोरीड बन सकता है क्या? नीचे थाना चला रहेगा, लेकिन अगर ऊपर ऊपर 20 मंजिला मकान बना दिया और क्वार्टर बना दिए रहने के लिए, तो उस इलाके के जितने पुलिस वाले हैं उनके लिए घर वहीं मिल जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगी तो वो खाली करके चला जाएगा, तो जो आएगा उसको वही मकान मिल जाएगा। तो पुलिस को आज शहर के बाहर 25 किलोमीटर दूर घर मिलता है, उसको आने जाने में दो दो घंटे लगते हैं। हम जमीन का भी ज्यादा उस राज्य से बात कर सकते हैं, उस कॉरपोरेशन से बात कर सकते हैं, जरा उसको हाई राइज के लिए भी फायदा होगा, और ऊपर भी हम सिक्योरिटी के लिए व्यवस्थाएं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम चीजों को देखने के लिए व्यवस्था ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यानी स्टैंड अलोन एक छोटा पुलिस थाना है, उसके बजाय आधुनिक पुलिस थाना भी बन जाएगा और उसी के ऊपर 20-25 मंजिला मकान बनकर के रहने के लिए घरों की व्यवस्था हो जाएगी। और मैं जरूर मानता हूं बड़े शहर में 25-50 थाने तो ऐसे जरूर मिल सकते हैं कि जहां इस प्रकार के डेवलपमेंट की संभावना है बहुत, क्योंकि बड़े शहरों में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर बाहर जाना पड़ रहा है पुलिस के क्वार्टर बनाने के लिए। और उसमें देखा होगा, अब जैसे अभी अमित भाई बता रहे थे कि भाई बजट जो देते हैं वो अब उपयोग नहीं हो रहा है, जितनी मात्रा में खर्च होना चाहिए नहीं हो रहा है। अब भारत सरकार में एक ऐसी स्थिति शुरू हुई है कि मुझे बार बार आग्रह करना पड़ता है कि जिस काम के लिए तय किया है उन बजट को उस काम के लिए उपयोग करो और समय सीमा में करो। आज पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हम लोग, हमारे देश में इस स्थिति में नहीं, हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी जी, हमारा सामर्थ्य बढ़ाना होगा, निर्णय शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के इन धन का सही उपयोग समय सीमा में कर पाएंगे। और जब समय सीमा में धन का उपयोग होता है तो वेस्टेज तो बचता ही बचता है, हमें लाभ बहुत होता है। एक और मेरे विषय है आपका, मैं चाहता हूं सभी राज्य के पुलिस और भारत सरकार पुलिस जो हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाए हैं उसका स्टडी कीजिए, और आपके जितने पुराने व्हीकल है एक बार उनको स्क्रैप करने की दिशा में आप आगे बढ़िए। पुलिस के पास व्हीकल पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी एफिशिएंसी से जुड़ा हुआ विषय है। उससे कारण दो फायदे होंगे, जो स्क्रैपिंग के बिजनेस में आने वाले लोग हैं उनको एश्योरेंस मिल जाएगा कि भाई फलाने राज्य में 2000 व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए ऑलरेडी उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए, चलो मैं एक यूनिट लगा देता हूं रिसाइकल का, सर्कुलर इकोनॉमी का काम हो जाएगा, और हम अगर 2000 व्हीकल वहां जाए तो जो नए व्हीकल बनाने वाली कंपनियां भी आ जाएगी कि भाई आप अगर 2000 व्हीकल हमारे साथ लेते हैं तो हम रेट इतना कम करेंगे, हम क्वालिटी में आपको जो चाहिए करके देंगे। इतना बढ़िया पैकेज बन सकता है जी, सभी हमारे पुलिस के पास आधुनिक से आधुनिक व्हीकल आ सकते हैं, हम उस पर सोचें। और मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर खुद बुलाएं ऐसे जो स्क्रैपिंग की दुनिया में अच्छा काम कर सकते हैं, उनको कहीं भी हम चलो जमीन देते हैं आपको, आप इस स्क्रैपिंग के लिए यूनिट रिसाइकल के यूनिट लगा दीजिए, हम पहले पुलिस वाले व्हीकल दे देंगे आपको, हम पुलिस के लिए नए व्हीकल ले लेंगे। ये बहुत जरूरी है जी, भारत सरकार के भिन्न भिन्न यूनिट भी अपने पुराने सारे कूड़ा कचरा निकाल देते हैं और नए, तो हमारी एनवायरमेंट एफिशिएंसी सब में फर्क आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी अगर आप कुछ निर्णय करके निकलेंगे और उसको समय सीमा में लागू करेंगे, आप देखिए आप लोगों को तो सुरक्षा देंगे, आप देश के विकास में भी बहुत बड़े भागीदार बन जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस गंभीरता से इस मीटिंग को आप लोगों ने लिया है और विशेष करके इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्रियों का आकर के इस मीटिंग में बैठना, सचमुच में तो जब मैंने आपको देखा तो मेरा मन करता है मुझे वहां आपके बीच में होना चाहिए था, लेकिन पहले से कुछ कार्यक्रमों का इतना प्रेशर रहा है कि मैं नहीं आ पाया। लेकिन जब इतने सारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हो तो एक प्रधानमंत्री का स्वाभाविक मन कर जाता है कि जरा आपके बीच बैठूं, मैं भी आपके साथ चाय पान करते करते काफी बातें करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। इस बार गृह मंत्री जी आपके साथ बात कर रहे हैं, वो जो भी विषय आप चर्चा करेंगे मुझ तक जरूर पहुंचेगा, और मेरे हिस्से में जो जिम्मेवारी होगी मैं सभी मुख्यमंत्रियों को सभी गृह मंत्रियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशा अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए भारत सरकार भी उतना ही प्रयास करेगी। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, वर्चुअल संबोधन उनका ये रहा, इस चिंतन शिविर में वो जुड़े हैं और अहम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। मौजूदा दौर में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है उसको कंट्रोल करने को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। देश में उत्सव का माहौल है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है और 5G के साथ सतर्क रहने की भी जरूरत है, राज्यों में विकास का वातावरण जरूरी है और भारत की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं और इसको लेकर भी आगाह उन्होंने किया है और आतंक के खिलाफ एकजुट होना भी जरूरी है।